हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए बेटा, आज हम लोग दिस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब कुछ हमारे पास एक नई एक्टिविटी आ जाई है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से, यानी कि हम कैसे यहाँ पे क्रीम को अलग करेंगे मिल्क के ज़रिए से। तो आप इससे पहले बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो, मैंने भी आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब धीमे 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 आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटी 3.2। और क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप कैसे मिल्क के अंदर से क्रीम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, कैसे अलग करोगे। सेपरेट का मतलब अलग करना, आप कैसे अलग करोगे क्रीम को मिल्क में से। पढ़ चुके होंगे इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन आपने ये भी चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन हम आप इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताते हैं उसमें क्या लिखा हुआ। तो चलिए पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे आज बेटा, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसको डायग्राम विद डायग्राम के साथ कैसे परफॉर्म करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा, आपको देख रहा हो आई थिंक, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या ले लेना है, फुल क्रीम भर देना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें पता चलेगा कैसे। फिर क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। आपको सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन तो याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो स्पिन करती है, स्पिन का मतलब रोटेट करती है। आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसमें आप कपड़े डालते होगे तो वॉशिंग मशीन गोल 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 स्पिन करके रोटेट होती है। उसमें से क्या करती है, पानी को सोख के बाहर फेंक देती है और कपड़ों को सुखा देती है। ऐसे ही मशीन एक ऐसी होती है हमारी केमिस्ट्री लैब में, जिसमें हम ये सारे परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी को, और उस सेटअप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। और जो करवाएंगे उस मशीन से सेंट्रीफ्यूजिंग, उसका जो करवाएंगे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज करवाना। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें क्या होता है कि गोल गोल स्पिन करता है और जो भारी वाले पार्टिकल्स होंगे उसको दूर फेंक देगा और लाइटर वाले ऊपर आ जाएंगे। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फिर क्या लिखा है, इफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन दी स्कूल, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाई यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज इन दी किचन। अगर आपके पास लैब में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन नहीं है या आपको प्रोवाइड नहीं करी जाती, तो आप क्या करिएगा, आप सिंपल इस्तेमाल करिएगा, अपने घर में भी कर सकते हैं एक्टिविटी, जिसका इसको हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क चर्नर को। मिल्क चर्नर को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सर मिल्क चर्नर क्या होता है, अब जैसे कि सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का हमने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एक इस टाइप की मशीन होती है कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा गोल गोल होता है और यहाँ पे कुछ ऐसे पैनल लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। अब यहाँ यहाँ पे इसके बीच में गैप होता है, और गैप होने के बाद हमारा टेस्ट ट्यूब इसके अंदर लगाते हैं और ये गोल 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 घूमता है। अभी बताएंगे, पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको थोड़ी सी समरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगाने के बाद जब ये गोल 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 घूमेगा तो उस मशीन को हम सेंट्रीफ्यूजिंग कहते हैं। और अगर आपके पास ये गोल गोल घूमने वाली मशीन ना हो, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ना हो, तो आप मिल्क चर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, चर्नर। चर्नर क्या होता है, ऐसा समझिए, चर्नर जो होता है आपको याद होगा, जिससे आपके किचन में मम्मी वगैरह जिससे दाल वगैरह घोटती हैं, घोटना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग लस्सी बनाते हैं ऐसे 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 करके घोटते हैं, रोटेट करते हैं, वो चर्नर होता है। उसी को दाल घोटने वाला या कोई भी आप इस्तेमाल करने में किसी में भी इस्तेमाल आ जाए वो, तो उसको कहते हैं चर्नर। अब इसको हम आपको डायग्राम से बताते हैं, इसको मैं रफ कर दूँ, अभी इसको मत देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा था एक अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट ट्यूब लिएगा, ये क्या है हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम यहाँ तक
फुल क्रीम भर लेंगे, इसके अंदर हम ढेर सारी क्रीम भर लेंगे। क्रीम कैसे बनती है सर? सर क्रीम आती है मिल्क से। मिल्क को जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालेंगे और तेजी से नचाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे झाग ऊपर आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। हमने एक लिया टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दी, फुल क्रीम। फुल क्रीम क्या करी इसके अंदर, फिल कर दी। अब सर इससे क्या होगा, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को इस रोटेटिंग मशीन में, ऐसा समझिए ऐसी कोई एक ऐसी मशीन होगी हमारे पास ऐसी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से टेस्ट ट्यूब होगा, ऐसा ऐसे जुड़ा होगा टेस्ट ट्यूब, यहाँ से ऐसे टेस्ट ट्यूब इससे बंधा हुआ होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पढ़ा होगा फिजिक्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि आप एक थ्रेड लो, उससे ईटा बांध दो नीचे कोई भी पेबल, और उसको यूं 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 नचाओ, तो जो बाहर की तरफ फोर्स जा रही है, ईटा हमसे दूर भागना चाह रहा है, लेकिन हम उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। जब हम खींचना चाह रहे हैं और एक चीज हमारी पेबल्स बाहर जाना चाह रहा है, ईटा बाहर जाना चाह रहा है, उसको यूं करके, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारी याद रखिएगा, जो हमारी ऐसे ऐसे नचाने पे जो हमारी एक फोर्स क्रिएट हो रही है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने यहाँ पे एक ऐसी मशीन ली, यू टेस्ट ट्यूब लगाया। अब ये मशीन खुद से अगर यूं 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 रोटेट होगी, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरी है, फुल क्रीम। क्रीम कहाँ से आई, मिल्क से आई, इसके अंदर हम डाल देंगे। जब ये नाचेगी तो क्या होगा, एक चीज और सुन लिए इससे पहले भी, कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। मिल्क किससे बना होता है? मिल्क बना होता है बेटा फैट्स या लिपिड्स, दोनों एक ही चीजें हैं। मिल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं, हमें लगता है कि मिल्क प्योर फॉर्म में है, लेकिन मिल्क भी बना होता है कई सारी चीजों से मिल के। लिपिड्स फैट एक ही चीज है, इसके अंदर ये भी होता है। प्रोटीन्स होता है मिल्क के अंदर, हमें दिखाई नहीं देता है, होता है लेकिन हम आंखों से थोड़ी ना देख सकते हैं। लैक्टोज होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, और भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, मिल्क जो होता है हमारा, अब आपने देखा होगा कि जो मिल्क होता है उसके ऊपर छोटे 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 डॉट्स या छोटे छोटे स्पॉट्स में ऊपर क्या होता है, ऑयल की लेयर जमने लगती है। ऑयल की छोटी छोटी लेयर होती है। आपने देखा होगा जब दूध वगैरह रखा होता है, तो उसके ऊपर ऑयल, थोड़ा थोड़ा ऑयल जो होता है उसके ऊपर यूं फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। मिल्क की डेंसिटी जो होती है बेटा 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और उसके ऊपर जो ऑयल होता है, वो ऑयल जो होता है, या लिपिड्स या फैट, ये भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑयल की डेंसिटी जो होती है 0.91 से 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि मिल्क की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको याद हो अगर एक बात अच्छे से बता दे, हमें इसके अंदर क्या डालना है, मिल्क क्रीम डालना है। क्रीम कहाँ से आएगी, मिल्क से आएगी। मिल्क के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। ये चार सारी चीजें होंगी तो उससे अलग अलग कैसे करेंगे, मिल्क की जो डेंसिटी इतनी होती है, ज्यादा हैवियर होती है, ये डेंसर पार्टिकल होता है। डेंसर समझ ले, डेंसर का मतलब होता है बहुत ही भारी पार्टिकल। ऑयल डेंसिटी कितनी होती, इतनी होती, कम होती है किसके मुकाबले, मिल्क के मुकाबले। आपने देखा होगा कोई चीज बेटा, कि ऑयल के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ऑयल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही प्रेजेंट होता है, ना उसके अंदर वाटर होता है, ना कोई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। लेकिन मिल्क के अंदर लिपिड्स होगा, प्रोटीन्स होगा, फैट होगा, और हम मिल्क से क्या कर सकते हैं, मिल्क से क्या कर सकते हैं, मिल्क से हम क्या बना सकते हैं कि क्रीम बन सकता है। क्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ फैट्स इमल्शन। देखिए दो चीजें हैं, मिल्क से क्या क्या बन सकता है, मिल्क से हम क्रीम बना सकते हैं, ठीक है। फैट्स इमल्शन, मिल्क क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका होता है, फैट्स इमल्शन का और वाटर का होता है। सर ये क्या हुआ, फैट्स इमल्शन और वाटर बेटा एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी आपस में मिल नहीं सकती। इमल्शन का मतलब वो होता है एक तरीके का मिक्सचर जिसमें ऑयल और मिल्क कभी भी मिल नहीं सकता। तो आप देखते होंगे मिल्क के ऊपर छोटी छोटी लेयर जम जाती है ऑयल की, वो दिखती है हमें। आप देखेंगे जो पैकेट वाला दूध होता है उसमें तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो हमारा डेयरी से, डेयरी वाला जो दूध होता है, जो दे के जो भैया जी देने आते हैं उससे, उसमें आप देखेंगे ज्यादातर आपको ऑयल दिखेगा। तो यही होता है, वो फैट्स ऑयल और वाटर भी होता है, ऐसा नहीं है।
फैट्स इमल्शन एंड वाटर भी, क्रीम जो बनती है हमारी, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है हमारा, ऑयल भी होता है, लिपिड जिसको हम लोग बोलते हैं, फैट इमल्शन और वाटर, ये दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते, आपस में अलग अलग तैरते रहते हैं। क्यों तैरते हैं आपस में? ऑयल का पार्टिकल जो होता है वो हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, किस वजह से? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी होती है 0.91 से 0.93 ग्राम, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा भारी होती तो वो नीचे चला जाता है, इसलिए हमें ऑयल का पार्टिकल ऊपर दिखने लगता है, मिल्क का पार्टिकल नीचे दिखने लगता है। जब लस्सी बनाते हैं यूं यूं करके घोट के, तो झाग ऊपर आता है, क्यों आता है? वो नीचे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ऑयल का पार्टिकल, मिल्क के अंदर जो ऑयल का पार्टिकल है उससे क्या होता है, वो बहुत ही हल्का होता है। जब ऐसे 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 करके हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो झाग ऊपर आ जाता है। एजिटेट करना, एजिटेट, एजिटेट का मतलब हिलाना, शेक करना, ऐसे जब करेंगे तो मिल्क का पार्टिकल जो होगा वो नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो नीचे चला जाएगा। ऑयल का पार्टिकल ऊपर आ जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, इसको जब ज़्यादा घुटने लगेंगे तो मिल्क में से क्रीम ऊपर आने लगेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल लाइटर है, क्रीम का पार्टिकल लाइटर है एज कम्पेयर्ड विथ, ठीक है, बना तो उससे ही है, लेकिन इसके पार्टिकल के अंदर और भी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, मिल्क के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, कुछ सॉलिड, टोटल सॉलिड भी कुछ होते हैं, हमने लिखे नहीं है, कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा लाइटर होता है वो क्रीम का पार्टिकल ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह सब कुछ होता है। ऑयल क्या होता है? ऑयल का पार्टिकल लाइटर होता है, किस वजह से? डेंसिटी की वजह से। अब फैट्स इमल्शन इसीलिए आपस में नहीं मिल पाते, यहाँ पे लिखा फैट्स इमल्शन, इमल्शन का मतलब क्या? एक तरीके का मिक्सचर जो पूरी तरीके से आपस में इमिसिबल होता है। इमिसिबल का मतलब जो मिल ना पाए, आपस में डिजॉल्व ना हो पाए। अब देखिए, इसी को हमने मिल्क को उठा के क्रीम बना के इसके अंदर अब डाल दिया। जब क्रीम डालेंगे इसके अंदर, इसको हम तेजी से हम रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा? एक टाइम बाद क्या होगा कि हमारे जो भारी वाले पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो हल्के वाले पार्टिकल है क्रीम वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे हमारी आ जाएगी क्रीम। क्रीम क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमारा क्रीम जो है बेटा वो लाइटर पार्टिकल्स है। क्या है? लाइटर पार्टिकल है। और बाकी के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हैवी है तो वो नीचे बैठ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, जैसे कि एक थ्रेड में हमने ईटा बांधा या पेबल, उसको यूं नचाया तो जो वो फोर्स हो रही है, लग रही है, गोल गोल घूम रही है, ईटा हमसे दूर भागना चाह रहा है, वो पेबल हमसे दूर भागना चाह रहा है, लेकिन हम उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी के अंदर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल से ही बना सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन बनी, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन टर्म बना। और इस सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी हमने एक और भी बताया था कि ऐसे एग्जांपल लेके कि गोल गोल हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है, उठी हुई यूं करके होती है, उसमें यूं यूं पैनल बने होते हैं, यूं यूं पैनल बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे, और जब ये पूरा चक्का यूं यूं नाचेगा तो क्या होगा, नाचने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा चक्का क्या करेगा, इसके अंदर जब ये नाचेगा, और इसके नाचने को कहते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, और इस मशीन का नाम पड़ गया सेंट्रीफ्यूजिंग, तो ये क्या करेगा, भारी वाले पार्टिकल्स जो होंगे टेस्ट ट्यूब की वॉल से टकराएंगे। एक पार्टिकल हमारा कोई इधर टकराएगा, कोई पार्टिकल इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब की वॉल से टकरा रहे हैं बार बार, और टकराने के बाद क्या होगा, भारी वाले पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और लाइटर वाले पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ पे अभी हमने बताया डेंसिटी की वजह से। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे होता है, और यही आप सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किससे, मिल्क चर्नर से। चर्नर अभी हमने बताया था क्या होता है, जो दाल घोटते हैं, दाल घोटते हैं या कुछ भी आप काम करते हो, लस्सी वाले जैसे बैठे होते हैं, लस्सी बनाते हैं, कैसे लस्सी बनाते हैं, वो यूं करके घोटते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक उसमें झाग क्रीम ऊपर ना आ जाए। क्यों? ऑयल का पार्टिकल भी होता है उसमें, मिक्स नहीं हो पाता, फैट इमल्शन, जिस वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे बह जाते हैं डेंसर पार्टिकल। तो ये एक तरीका होता है। वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही देख लिए, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में भी क्या करता है, पानी को सोख लेता है अपने अंदर, जब वो स्पिन करता है पानी को सोख लेता है और फिर क्या करता है, वो कपड़ों को सुखा देता है,
इससे क्या हो रहा है, ये भी एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। तो ये पूरी एक्टिविटी थी, ऐसे कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। एप्लीकेशंस क्या लिखा है, यूज्ड इन ए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। आप ब्लड और यूरिन टेस्ट जब भी हॉस्पिटल में करवाने जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपना ब्लड का सैंपल दे दिए, आप अपना यूरिन का सैंपल दे दिए, उससे क्या करते हैं, उससे ये करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उससे ये करते हैं हम लोग यहाँ पे कि उसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, इसी मशीन में लगा के उसको घुमाते हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्लड के अंदर और भी चीज़ें ना हो, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है ऐसा समझिए, ये ब्लड है, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे ब्लड डाला। जब ब्लड डालोगे यहाँ पे तो ब्लड को तेज़ी से जब नचाओगे तो भारी पार्टिकल इसके टेस्ट ट्यूब के वॉल से टकराएंगे और भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे ज़्यादा डेंसिटी की वजह से, और बाकी के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे जब ब्लड टेस्ट करेंगे, इसके अंदर ब्लड डालेंगे। तो उसमें हमने देखा यहाँ पे ऐसी तीन लेयर बनेगी। पहली जो बनेगी हमारी वो आएगा हमारा, पहली जो लेयर होगी यहाँ पे बता दे रहे, वो होगी हमारी आरबीसी की। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो सबसे भारी पार्टिकल हमारा नीचे बनता है आरबीसी का। फिर सेकंड वाली जो लेयर होगी वो बनेगी डब्ल्यूबीसी। फिर जो थर्ड वाली लेयर होगी वो बनेगी प्लेटलेट्स की, एलईटीएस, प्लेटलेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा जरा, ठीक है। तो ऐसे ही हम हॉस्पिटल में लैब वगैरह में ब्लड और यूरिन का सैंपल भी चेक कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के जरिए से, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, यूज इन डेयरीज एंड होम एट सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अभी तो बताया हमने आपको कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं डेयरीज वगैरह में, जहाँ दूध वगैरह जहाँ बनाते नहीं है उसको पेस्टराइज करते हैं, तो ये वहीं के ही एग्जाम्पल हो गए हमारा। दूसरा तीसरा क्या है, यूज इन ए वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल बताया, ये भी वही हो गया सेम टू सेम। तो ये सारा हमारी एक्टिविटी 3.2 है, कैसे हम सेपरेट करते हैं मिल्क से। तो ये हो गई हमारी पूरी थ्योरी, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास जो आई है एक्टिविटी 3.3 आई है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से, मिल्क में कैसे सेपरेट करेंगे, क्रीम को अलग कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.3 आएगी। एक्टिविटी 3.3 में बेटा आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए, नीचे डायग्राम बना हुआ है। आप वो पॉइंट अपने बुक से उतार लेना, मैं उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या है, अब वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे इससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी 3.3 में जो बात कर रहे हैं, लिखा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इन्हें कहा है हमारे पास दो मिक्सचर हैं, ठीक है। पहले तो समझिए इमिसिबल का मतलब क्या होता है। इमिसिबल का मतलब होता है जो डिजॉल्व ना हो, जिसमें जो किसी में हम डिजॉल्व करना चाहे कोई सॉल्यूशन वो उसमें डिजॉल्व ना हो, वो अलग हो जाए। और मिसिबल का मतलब, मिसिबल का मतलब क्या होता है, देखिए मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको ना देखिएगा, इसको ना देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। इमिसिबल का मतलब जिसमें आई एम लगा हो, आई डबल एम एस सी आई बी एल ई। इमिसिबल का मतलब होता है नॉन डिजॉल्व, यानी कि जिसमें डिजॉल्व ना हो पाए, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मिसिबल लिखा होगा, मिसिबल एम आई एस सी आई बी एल ई, उसमें क्या होगा, उसका मतलब होगा कोई चीज़ डिजॉल्व हो जा रही है, ठीक है। इमिसिबल का मतलब जो डिजॉल्व ना हो, मिसिबल का मतलब जो डिजॉल्व हो जाए। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इधर देखिए लिखा है हम कैसे, दो मिक्सचर हैं हमारे पास जो इमिसिबल हैं, आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो पा रहे, ठीक है, उनको अलग अलग कैसे करें, दोनों अलग अलग मिक्सचर हैं और वो दोनों इमिसिबल हैं, नहीं मिल नहीं पा रहे, डिजॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उनको अलग कैसे करें। आप कहेंगे सारे काम करो, उठाओ गरम कर दो, एवेपरेट कर दो, कुछ ऐसी उल्टी सीधी टेक्निक देंगे, फिल्ट्रेशन कर दो, नहीं, उसके लिए एक अलग से सेटअप आता है और वो ये सेटअप है हमारे पास। इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनिल, इस पूरे को बोलते हैं सेपरेटिंग फनिल बोलते हैं।
सेपरेटिंग फनल जो होता है बेटा, एक नेचुरल मेथड होता है, जो इसमें से दो लिक्विड इसके अंदर जो डालेंगे उसको आसानी से सेपरेट करता है। सेपरेट का मतलब अलग कर देता है। ये हमने पूरा सेपरेटिंग फनल लिया, ध्यान से सुनिएगा, ये हमने सेपरेटिंग फनल लिया। इस सेपरेटिंग फनल के अंदर क्या कर दिया हमने, यहाँ से दो लिक्विड लिए, टेक टू मिक्सचर वाटर और केरोसिन ऑयल। क्या लिया हमने, वाटर और केरोसिन ऑयल लिया। वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा, जो वाटर की डेंसिटी होती है, ये याद रखिएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जो केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, उसकी स्टार्ट होती है हमारी 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी 0.81 है, कम है। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की है, और ऑयल की कितनी है, कम है। तो हमने दो मिक्सचर लिए, वाटर और केरोसिन, और इसके अंदर हमने डाल दिए। अब जैसे इसके अंदर डाला, क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमने लगा दिया स्टॉप कॉक। यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टॉप कॉक लगा दिया, ठीक है, स्टॉप कॉक लगा दिया हमने यहाँ पे। ये स्टॉप कॉक क्या होता है, स्टॉप कॉक को ऐसा समझिए जैसे कि आपके घर में नल होता है, टैप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते बंद कर दें, ये वही काम करेगा। स्टॉप कॉक का मतलब ये हुआ। ये हमने सेपरेटिंग फनल लिया, उसके अंदर दोनों मिक्सचर हमने उडेल दिए। उडेलने का होता है पोर, POUR, पोर का मतलब होता है उडेलना। जैसे इसके अंदर डाला, फिर क्या किया, क्या इसके अंदर आया, वाटर भी था, ऑयल भी था। अब देखिएगा इसको अलग अलग करने का तरीका क्या है। इसको अलग अलग करने का ये तरीका है कि देखिए, अब जो भारी पार्टिकल होगा बेटा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा, हल्का पार्टिकल, वो ऊपर बैठ जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बेटा डेंसिटी से, क्योंकि ऑयल का पार्टिकल जो होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। और जो वाटर का पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, लाइटर होता है। सर ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा डेंसिटी से, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑयल की होती है 0.81 ग्राम। कुछ लोग कहते हैं 0.81 से 0.85 तक जाता है, या 91 से 93 तक के, 0.80 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होते हैं। यानी कि वाटर की डेंसिटी जो है उससे तो कम ही है ना ये ऑयल। तो जैसे इसके अंदर डाला, डालने के बाद हमने क्या करा, दोनों मिक्सचर को थोड़ी देर तक इंतज़ार किया कि अच्छे से मिल जाए। इंतज़ार करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक लेयर बन गई, एक ये लेयर बनी, एक ये लेयर बनी, अलग अलग लेयर बनी। हमने ऊपर वाला देखा, ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या था हमारे पास, ऑयल था, और नीचे की तरफ देखा तो वाटर था। लाइटर लिक्विड कॉल था, केरोसिन ऑयल था। भैया जो हल्का पार्टिकल था वो ऊपर आ गया। क्यों ऊपर आया, क्योंकि पार्टिकल हल्का है। क्यों हल्का है, क्योंकि डेंसिटी उसकी 0.81 ग्राम है, ऊपर आ गया लाइटर पार्टिकल। लाइटर लिक्विड कौन, केरोसिन ऑयल। और जो हैवियर था, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वो कौन सा था हमारा, वाटर था, वो नीचे आ गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे नीचे बीकर रखा, बीकर यानी के वेजल यानी के बीकर, दोनों एक ही बात है। अब हमने यहाँ से स्टॉप कॉक धीमे से खोला, कटाक करके खोला। धीमे धीमे क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर लिक्विड है वाटर, वो धीमे 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 इसमें नीचे कलेक्ट होता जाएगा। फिर हमें ध्यान देना है, हमें उस पॉइंट पे इसको बंद कर देना है। कब बंद करेंगे, जब हम देखेंगे कि पूरा का पूरा लिक्विड इसमें, इसका वाटर इसमें कलेक्ट हो गया है। जैसे इसमें पूरा का पूरा वाटर आ जाएगा, तुरंत हम बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा, क्या, केरोसिन ऑयल अलग हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। ये होता है हमारा सेपरेटिंग फनल होता है, और ये एक नेचुरल मेथड होता है बेटा सेपरेट करने का, दो लिक्विड को जो आपस में डिजॉल्व नहीं हो सकते, इमिसिबल लिक्विड, उनको अलग करने का तरीका क्या है, ये सेटअप है। इस सेटअप में दोनों डालेंगे मिक्सचर, एक की डेंसिटी ज़्यादा, एक की कम। यहाँ से स्टॉप कॉक खोलेंगे, धीमे 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 धीमे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो उतना नीचे आके डिजॉल्व हो जाएगा, वो उतना नीचे आके सेटल हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो ऊपर चला जाएगा। हल्का पार्टिकल ऊपर चला गया, भारी पार्टिकल नीचे आ गया। स्टॉप कॉक खोलेंगे, यहाँ से धीमे 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 कलेक्ट होने लगेगा, पानी अलग हटा लेंगे, केरोसिन इसके अंदर बच जाएगा, केरोसिन ऑयल। तो ये हो गया हमारा सेपरेट करने का मेथड हो गया। सर इसके अलावा भी कुछ मैं सेपरेट कर सकते हैं, हाँ, इसके अलावा भी अगर आप
सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस एक और प्रोसेस में भी काम आएगा बेटा। किसमें लिखा है? सेम प्रोसेस डन बाय आयरन ओर, आयरन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ नॉट प्योर फॉर्म, इट्स कंटेन टू मच इम्प्योरिटी, सो वी कैन यूज सेपरेटिंग मेथड। आयरन ओर बेटा, आयरन ओर क्या होता है? देखिए ओर का मतलब क्या होता है? ओर का मतलब होता है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स होता है। और एक चीज याद रखिएगा, स्लैग, एक वर्ड और आएगा इसके बीच में, स्लैग। स्लैग मतलब होता है इम्प्योरिटीज। स्लैग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटीज। अब आयरन ओर, अब हमें क्या करना है? आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना है। सर ओर मतलब मिनरल्स, यानी कि आयरन के मिनरल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे? तो भी हमारे पास, अब हम ये मान, अब आप सुनिए, सोचिए कि जब हम बड़ी बड़ी माइंस से, खान से जब आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि सब कहाँ से आते हैं? अर्थ की क्रस्ट के अंदर होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, माइंस में खुदाई वगैरह होती है, तो वहाँ से ये सारे ओर्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो हमें आयरन मिला है वो प्योर फॉर्म में होगा। जब इंसान चावल वावल, जैसे आप सोचिए घर में आप राइस पका रहे हो, तो दुकानदार से चावल खरीद के लाए, तो चावल आप क्या डायरेक्ट आप उसको ऊपर उबालोगे, डायरेक्ट खा लोगे? पहले उसको क्या करोगे? सफाई करोगे, फिर पानी के नीचे धोगे, धोने के बाद उसको चढ़ाओगे, फिर खाओगे। डायरेक्ट आप दुकान से लाके थोड़ी ना खा लोगे। वैसे ही हम माइंस से जो आयरन ओर होता है उसको डायरेक्ट थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी? इम्प्योरिटीज होगी, प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसके अंदर ढेर सारी क्या होगी? टू मच इम्प्योरिटीज होगी। सेपरेट कैसे करेंगे? इम्प्योरिटीज को अलग कैसे करेंगे? और आयरन यानी कि मिनरल्स के जो ओर होंगे, जो ओर होंगे हमारे आयरन के, उसको कैसे अलग करेंगे? सेपरेटिंग मेथड से। सेम यही मेथड होगा, दोनों को क्या करेंगे? आयरन ओर को दोनों को उठा के हम क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा इससे? इससे ये होगा, हमारा जो हैवियर पार्टिकल होगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसा समझिए, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा वो उतना नीचे, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम वो ऊपर। नीचे स्टॉप कॉक खोलेंगे, जम जाएगा। अब यहाँ पे यही सेम मेथड को हम लोग इससे ही अप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यही पूछा था कि हाउ कैन वी सेपरेट, दो मिक्सचर को अलग अलग कैसे करें जो आपस में डिजॉल्व नहीं हो पा रहे, इमिसिबल है। तो इस मेथड से हम लोग करेंगे। आयरन ओर को भी ऐसे करेंगे। आयरन ओर को एक और भी मेथड होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन एक और भी मेथड होता है। उसमें क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का? वो अलग मेथड होता है, ये सेटअप नहीं होता उसके लिए, उसके लिए अलग होता है। आयरन ओर को एक और मेथड होता है, जब आप क्लास टेंथ में आएंगे वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ठीक है, इतनी बात हुई। लेकिन यहाँ पे आयरन ओर को इसके अंदर डालेंगे, ये आयरन ओर भी सेम इसी की तरह इसको इम्प्योरिटीज को अलग कर देगा, और हमारा जो मिनरल्स हमें चाहिए, मिनरल्स और आयरन्स, उसको अलग कर देगा। स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज। अब देखिए एप्लीकेशन क्या लिखा है, आप सुनिएगा, एप्लीकेशन पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा ये दो टर्म। टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, सही बात है। इस मेथड से हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ऑयल और वाटर को। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और आयरन फ्रॉम इट्स ओर, हम आयरन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं उसके मिनरल्स में से। अब ऐसा तो है नहीं कि आयरन जो है हमारा प्योर फॉर्म में मिले, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगे, डस्ट भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो हम आयरन को भी ऑब्टेन करेंगे। द लाइटर स्लैग, स्लैग मतलब इम्प्योरिटी, द लाइटर स्लैग इज रिमूव, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या कर देंगे? वो हमारी हल्का पार्टिकल्स होंगी, ठीक है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ऐसा समझिए, ये कह रहे हैं जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी, अगर वो हमारी जो इम्प्योरिटीज होंगी, अगर वो भारी पार्टिकल हुआ तो नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है, और जो मिनरल्स वगैरह होंगे, अगर वो हल्का पार्टिकल होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? डेंसिटी से पता चलेगा। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो उतना आके नीचे बैठेगा, जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो ऊपर चला जाएगा। और हम लोग स्टॉप कॉक की मदद से खोलेंगे, और जो हमें क्या चाहिए होगा, आयरन ओर, वो हमें कलेक्ट हो जाएगा, और जो हमारी स्लैग होगी इम्प्योरिटीज, वो हमारी उसमें रह जाएगी। ये डिपेंड करेगा पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है। तो ऐसे हम इससे भी कर सकते हैं। अगर आप एक और मेथड चाहे तो वो मैं भी बता सकता हूँ, अभी एक और भी है। ये तो पूरा हो गया, ये समझ गए आप, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा है एक टर्म, टॉप बाय द मेथड टू लीव मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन का मतलब होता है कि मोल्टन आयरन का ऐसा समझिए मेथड कि ये बीकर है, बीकर के अंदर आयरन है,
और इम्प्योरिटीज है वो मॉल्टन स्टेट में है। जब दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होने के बाद कुछ पार्टिकल उसके अंदर घुस गए, कुछ पार्टिकल आयरन की इम्प्योरिटीज वगैरह हो गई, कुछ पार्टिकल्स हमारे आपस में जो मिल जाते हैं पार्टिकल एकदम मॉल्टन स्टेट होते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं लचीले टाइप के हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉल्टन स्टेट बोलते हैं। अब ऐसा समझिए, इसका एक और भी मेथड होता है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने का, वो मेथड हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। वैसे काम तो नहीं आएगा आपकी नाइन्थ में, यहीं तक के काम आएगा, फिर भी मैं वो आपको बता दे रहा हूँ उसका सेटअप कैसा होता है। उसका सेटअप बेटा देखिए ऐसा होता है, इसको मैं मिटा दूँ, उसका सेटअप कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप का एक ऐसा व्हील होता है, व्हील, ये व्हील है हमारे पास, ये एक बेल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कोई डिब्बा रख देते हैं, ठीक है, बीकर रखते हैं, और ये जो ये है इसको बोलते हैं बेल्ट। ये क्या होती है, ये रबड़ की बेल्ट होती है, और ये होता है हमारा व्हील चक्का, और ये जो चक्का होता है इसमें लगा होता है मैग्नेट। क्या लगा होता है, मैग्नेट, ये जो अंदर होती हैं व्हील इसके अंदर मैग्नेट होता है, और ये रोटेट करती हैं, ये ऐसे रोटेट कर रही हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करती हैं, ये घूमता रहता है व्हील और ये ऐसे रोटेट होते रहती हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमें आयरन ओर है हमारे पास, जो ओर है वो कौन सा है, ओर हमारे पास है आयरन का, आयरन ओर है, आयरन मतलब Fe, ओर मतलब मिनरल्स, ओर मतलब मिनरल्स, आयरन मतलब तो आयरन जानते हैं, Fe होता है सिंबल। अब हमारे पास आयरन ओर है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम माइंस से बड़ी बड़ी खानों से हम आयरन लेके आए तो वो प्योर फॉर्म में हो, ये प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ की क्रस्ट से निकाला है, तो ये इम्प्योर फॉर्म में होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारा एक ओर होता है, ठीक है, और इम्प्योरिटीज भी होंगी इसके अंदर, क्या होंगी, इम्प्योरिटीज भी होंगी और भी होंगी। हमने ओर जो लिया है किसका ओर, आयरन का ओर, ओर किसका लिया, यानी कि मिनरल कौन सा लिया, आयरन का लिया, इसको हमने मान लिया मैग्नेटिक है, ठीक है, हमने मान लिया ये मैग्नेटिक है आयरन, और इम्प्योरिटीज को हमने माना ये नॉन मैग्नेटिक है, क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक वाली अट्रैक्शन है, ये मैग्नेट से चिपक जाएगा, और इसके अंदर नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये इम्प्योरिटीज मैग्नेट से चिपक नहीं पाएगी। हमने यहाँ पे व्हील लिया, बड़ी सी कन्वीनियर बेल्ट है, ये क्या है इसको मिटा देते हैं, ये है हमारे पास कन्वीनियर बेल्ट, ये क्या है कन्वीनियर बेल्ट है, इस बेल्ट में दो चक्के लगे हैं व्हील, और यहाँ पे एक बीकर रख दिया है, और यहाँ पे हमने एक बड़ी सी लगा दी है प्लेट, क्या रख दी है, प्लेट रख दी है। अब हमने इसके अंदर जब आयरन ओर डाला, क्या डाला, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर यानी कि आयरन भी होगा और मिनरल्स भी होंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या क्या होगा, इम्प्योरिटीज तो होएगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी होगी। अब जैसे इसके अंदर हम ऊपर से ये डालेंगे आयरन ओर, तो ये बेल्ट क्या करेगी, ये डिब्बा क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये कन्वीनियर बेल्ट से ऐसा फनल, ऐसा देखिए, ऐसा 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 वाई शेप में यहाँ से लगा होगा, ठीक है, इससे फिट होगा, ये फनल टाइप का शेप इससे फिट होगा इस बेल्ट से। अब यहाँ से जैसे ही हम आयरन ओर और उसके अंदर क्या होगी, इम्प्योरिटीज तो होगी, जैसे इसको अंदर हम डालेंगे तो ये बेल्ट चक्का चलेगा, ठीक है, अब इसमें व्हील में क्या लगा है, मैग्नेट। अब जैसे ही यहाँ पे ये ओर आया, किसका, आयरन ओर आया, और प्लस इसके अंदर इम्प्योरिटीज तो पहले से मौजूद होंगी, जैसे ये चलेगा, आयरन क्या लिया था हमने, जो आयरन का ओर था वो मैग्नेटिक था, वो यहाँ पे आते 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 थे इससे चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि आयरन का जो ओर है वो हमने मैग्नेटिक लिया है, और इस व्हील के अंदर क्या लगा है, मैग्नेट भी लगा है, तो आयरन है Fe किससे अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट से, तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे चिपक जाएगा, चिपक जाने के बाद आते आते जैसे ही व्हील खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो कटाक्ष से इसके अंदर कलेक्ट होता जाएगा, ये क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा, तो आयरन को हम लोग इस प्लेट में कलेक्ट करते जा रहे हैं, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इधर गिरने लगेंगी, ये इम्प्योरिटीज हमारी अलग हो जा रही है, और आयरन है वो कौन सा है, और मैग्नेटिक है,
तो ये इससे चिपक के नीचे आके प्लेट में कनेक्ट हो जाएगा और ये इम्प्योरिटीज बाहर जाके गिरती रहेंगी। तो ये भी एक बेटा प्रोसेस होता है जिससे हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी सिलेबस में ये दिया तो आप ये पढ़ना, इसको मत पढ़ना, तो इसको नोट करिए। फिर बेटा आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी जो आई है 2.7 है, ठीक है। इससे पहले एक एक्टिविटी हमारे पास अभी हम जो पढ़ चुके थे, ठीक है, इसकी तो बात हो गई है हमारी कि कैसे आयरन ओर या कैसे हमारा सेपरेटिंग फनल में कैसे हम वाटर केरोसिन को कैसे अलग करते हैं, तो आप जान गए। एक हमने एक्स्ट्रा मेथड भी बता दिया आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन, जो वहाँ पे आपने देखा था उस प्रोसेस का नाम क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन था। अब बेटा हमारे पास एक्टिविटी 2.7 आई है, ठीक है, 2.7 शायद मिसप्रिंट हो गए, 2.7 नहीं 7 समथिंग होगा, देख लिएगा एनसीईआरटी में। इसमें लिखा है इज द डाई इन ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर। कह रहे हैं कि क्या ब्लैक डाई में सिर्फ ब्लैक कलर ही होता है या रेड डाई में सिर्फ रेड ही कलर होता है या जितनी भी जो जो सी डाई है उसके अंदर भी डाई, समझ रहे हैं ना, जो बालों में लगाते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, आजकल आप देखेंगे कितने सारे लड़के हैं, कभी कोई ब्राउन कर ले रहा है कलर अपने बालों को, कोई वाइट कर ले रहा है, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है, तो वो सब डाई होती है। डाई का मतलब क्या होता है, डाई देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्हीं ने पहले क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहे हैं क्या कोई भी डाई, चाहे वो ब्लैक हो रेड हो, कोई भी ब्लैक डाई, कोई भी डाई हो, क्या उसके अंदर अगर ब्लैक डाई है तो क्या ब्लैक डाई में सिर्फ एक सिंगल कलर ब्लैक ही मिलेगा, क्या रेड डाई हो तो क्या रेड डाई में सिर्फ रेड ही कलर मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको एक्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए डाई क्या होता है, पहले समझिए डाई क्या होता है। डाई बनता है इंक और वाटर तो होता ही है, इंक के अंदर क्या होता है, कोई भी इंक चाहे वो ब्लैक हो ब्लू हो कोई भी हो, इंक होता है प्लस वाटर होता है, इंक वाटर मिलके बनता है डाई। वाटर क्या होता है, हम लोग क्या इसे पीछे पढ़ चुके हैं इससे पहले वाला, कि वाटर जो होता है हमारा वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, वो ये होता है। और जो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट ना हो, तो वो यहीं पर रह जाता है। तो ऐसे हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा डाई है ब्लैक हो रेड हो उसके अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के अंदर ब्लैक ही कलर होगा, रेड डाई के अंदर रेड ही होगा, नहीं, डाई बनता है इंक और वाटर के मिक्सचर से तब बनता है डाई। देखिए डाई क्या लिखा है, डाई इज अ सब्सटेंसेस दैट इज यूज टू चेंज द कलर चेंज कर देता है। किसका कलर चेंज कर देता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है हेयर डाई, बालों की डाई। आजकल लड़के देखते हैं आप कौन कौन सी डाई लगा रहे हैं, कोई एफिल टावर बना ले रहा है अपने बालों के ऊपर, उसमें डाई काली नीली पीली हर तरीके की डाई लगा रहे हैं, तो ये वही डाई होता है। डाई क्या होता है हमारा, एक तरीके का मिक्सचर होता है वाटर और इंक का, वो क्या कर देता है कलर चेंज करता है। अब वो कोई भी कलर हो, ब्लैक हो रेड हो कोई भी हो। अब एक बात देखिएगा कि यहाँ पे पूछा है टाइप्स ऑफ डाइस कितने होते हैं। डाई मतलब वो वाला डाई नहीं, ये डी वाई ई वाला है, डी आई ई वाला नहीं। डाई कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल डाई होती है जो आप देखते हैं, नेचुरल भी डाई होती है, एक आप सिंथेटिक डाई जो आजकल बालों में लगाई जा रही है, और एक सल्फर डाई हो रही है। हमें इससे मतलब नहीं, टाइप्स अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, हम लोग को मतलब इससे है कि डाई करेगा क्या काम, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास डाई का तो मतलब ये हो गया कि डाई क्या होता है, डाई किससे बनता है, वाटर इंक से। डाई कितने टाइप्स की होती है, नेचुरल होती है, सिंथेटिक होती है, सल्फर डाई होती है हमारे पास। अब क्या ऐसा आप समझिए कि जो डाई है हमारे पास, क्या डाई के अंदर की जो पूछ रहे हैं कि डाई के अंदर जो ब्लैक डाई है, क्या सिर्फ उसके अंदर एक सिंगल ही कलर ब्लैक ही होगा, नहीं। जो बेटा हमारे पास डाई होती है, इसको मैं रफ कर दूंगी वाले पोर्शन को, ये देखिए मैं रफ कर लेता हूँ, देखिए उधर ध्यान ना दिएगा अभी एक्टिविटी। जो डाई जो होती है बेटा, वो डाई के अंदर मेनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर कलर्स होंगे हमारे पास,
ढेर सारे कंपाउंड होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, ब्लैक है। अब कोई डाई होता है बेटा, तो डाई के अंदर भी मैनी कलर्स होंगे, एक डाई के अंदर भी मैनी कलर्स होंगे। यानी कि मैनी कलर्स कब होंगे, जब हमारे पास मैनी कंपाउंड्स होंगे। एक डाई के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ऐसा नहीं कि डाई सिर्फ एक ब्लैक है तो सिर्फ ब्लैक ही कलर होगा, नहीं, ब्लैक डाई के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। रेड डाई होगा तो रेड डाई के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड होंगे। अब इसको अलग कैसे करें, इसको अलग करने का तरीका आप कहेंगे इवेपोरेशन, नहीं, इवेपोरेशन करेंगे, इवेपोरेशन करके तो इवेपोरेट कर दोगे। जब इवेपोरेट कर दोगे तो डाई के अंदर क्या होता है, इंक होता है और वाटर होता है। अगर आप इवेपोरेट भी कर दोगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, तो उससे काम थोड़ी ना चलेगा हमारा, ये तो इवेपोरेट हो चला जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन यहाँ पे नहीं करवाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके अंदर सारे कलर्स को रखना है, रहन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक इनकम्प्लीट है तब तक इसके अंदर वाटर नहीं है, तभी डाई बनता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो इसका हम लोग एक स्पेशल टेक्निक करवाते हैं कि कलर को चेंज कैसे करें। कि कलर यानी कि ब्लैक डाई है तो ब्लैक डाई के अंदर बहुत सारे कलर होंगे, रेड डाई है तो रेड डाई के अंदर भी बहुत सारे कलर होंगे। तो इसमें एक हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ का कलर चेंज कर दे, या कितने कलर बन सकते हैं एक डाई से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। देखिए क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, यानी कि कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर दे, डिफरेंट डिफरेंट कलर दे, क्रोमैटोग्राफी करवाते हैं। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां से द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। ये क्या है सर, एक बार देखिए, एक बार फिर से पढ़िए हेडिंग। हेडिंग में लिखा है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलग करना, कौन कौन से कॉम्पोनेंट जो मिक्सचर में होंगे उस डाई के अंदर। अब हमें नहीं पता उस डाई के अंदर और कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, कि ब्लैक इंक है, ब्लैक डाई है तो सिर्फ ब्लैक ही डाई हो, नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसको जानने के लिए हम लोग करवाते हैं क्रोमैटोग्राफी करवाते हैं। और क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, के डिफरेंट डिफरेंट कलर जाने, ऐसा नहीं कि ब्लैक डाई है तो ब्लैक डाई के अंदर सिर्फ एक सिंगल ही कलर हो, नहीं, उसके अंदर और भी डाई होंगी, और भी उसके अंदर कलर होंगे, सॉरी डाई नहीं होंगी, और भी कलर होंगे। तो ये हो गई हमारी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस तरह। और क्रोमैटोग्राफी का मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जो डाई होती है बेटा वो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, जो डाई होती है वो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। कैसे होती है सर, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या है, अब हम क्या करते हैं, इस क्रोमैटोग्राफी को इधर अप्लाई करते हैं। चलिए इधर देखते हैं कि ये सब क्या बना है, तीन तांबड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, एक हमने लिया एक फिल्टर पेपर, क्या लिया, फिल्टर पेपर ले लिया। फिल्टर पेपर तो समझते ही हैं, जो आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाके जिसको बर्बाद करते हैं, उसको मोड़ते हैं, एक दूसरे पे फेंक के मारते हैं। हाँ, वही बता, ये फिल्टर पेपर ऐसा होता है, देखिए गोल गोल होता है, ऐसा ऐसा गोल गोल होता है फिल्टर पेपर रखा होता है, और ऊपर से जो उसका वो होता है, ऊपर की जो सरफेस होती है थोड़ी सी खुरदुरी होती है, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, मारते हैं एक दूसरे पे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो फिल्टर पेपर वो भी फिल्टर पेपर होता है, गोल गोल भी होता है, ऐसा भी फिल्टर पेपर, ग्यारह भी हम ले सकते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या करा, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली, फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली, स्ट्रिप का मतलब एक छड़ी टाइप जिसको बोलेंगे, एक स्टिक टाइप की, इतना बड़ा पेपर ले लिया काट के, एक स्ट्रिप ली, उस स्ट्रिप पे हमने एक पेंसिल ली, पेंसिल से एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी यूं करके, ध्यान से सुनिएगा, पेंसिल से इस स्ट्रिप के 3 सेंटीमीटर ऊपर, इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करी पेंसिल से, 3 सेंटीमीटर ड्रॉ लाइन विद पेंसिल, और वहां पे हमने क्या करा, एक हमने इंक का स्पॉट डाल दिया, उस लाइन के ऊपर इंक का स्पॉट डाल दिया, गोल गोल, देखिए गोल गोल इंक का स्पॉट है, ये स्पॉट ऑफ इंक है। फिर क्या होगा इससे सर, फिर क्या होगा इससे, फिर इस स्ट्रिप को लेंगे, इस स्ट्रिप को उठा के, ये ग्लास जार है, ये क्या है हमारा, ये हमारे पास जो पूरा बना है ये ग्लास जार है, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ग्लास जार है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप कोई डब्बा ले लेना अपने, क्या ये हमने ग्लास जार लिया, अच्छा लगता है एनसीईआरटी में, इस ग्लास जार के अंदर हमने ये फिल्टर स्ट्रिप पेपर उठाई, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप उठाई, इसके अंदर इसको डुबो दिया, जैसे ही पानी के अंदर डुबोएंगे और इसको हम यहाँ से बांध देंगे, किससे बांध देंगे, सेलो टेप से, कुछ लोग इसमें सेलो टेप लिखते हैं, कुछ पेपर स्ट्रिप लिखते हैं इसको, तो इसको हमने यहाँ से क्या करा, इस वाले फिल्टर पेपर को उसके अंदर डुबोया, हमने कहा पूरा नहीं डुबोना है, इसको यहाँ से बांध देते हैं, पानी में आधा डुबोएंगे और आधा ऊपर रखेंगे, यहाँ से सेलो टेप से बांध दिया, ये क्या है हमारी, ये हमारी स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, ये पूरा सेटअप क्या है, ये ग्लास जार है, फिर यहाँ पे क्या था, ये स्पॉट था किसका, इंक का था, और इसके अंदर किसको डुबाया, इसके अंदर हमने डुबाया फिल्टर पेपर को, आधा डुबाएंगे और आधा ऊपर से सेलो टेप से बांध देंगे कि पूरा ना डूबे, किसके अंदर डुबाया, पानी के अंदर डुबाया, ठीक है सर, इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आप ये वाले फिल्टर पेपर को उसके अंदर डुबोएंगे आधा पानी में, कहाँ तक डुबोएंगे, पूरा नहीं डुबोना है, ये जो हमारी स्पॉट है कौन सी, ब्लैक इंक का, ब्लैक इंक का, रेड इंक का, किसी का भी ले लो आप, ब्लैक इंक का जो स्पॉट है उसको इतना मिलाएंगे कि स्पॉट से नीचे पानी रहे और स्पॉट ऊपर रहे थोड़ा सा, पूरा स्पॉट आपको पानी में नहीं डुबोना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बेटे क्या करना है, ये वाले स्पॉट को इतना डुबाना है कि ये पानी से एकदम ऊंचा थोड़ा सा, मान ली हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझिए कि ये हमारे पास चौक है, ये हमारे पास ये पेपर स्ट्रिप है हमारा हाथ, ये हमारा है स्पॉट और ये पानी का लेवल इतना होना चाहिए, इतना पूरी तरीके से ये स्पॉट नहीं डूबना चाहिए, पूरा का पूरा स्पॉट तक के नहीं भरेंगे पानी, उतना भरेंगे कि पानी से स्पॉट की थोड़ी दूरी रहे। फिर क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रिप है, फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, इस पानी को धीमे धीमे अब्सॉर्ब करेगा, जैसे ही धीमे धीमे अब्सॉर्ब करेगा तो अब इधर देखेंगे कि क्या हो रहा है, जब ये अब्सॉर्ब करेगा बेटा तो ये वाला स्पॉट आप देखेंगे, जैसे ही इसमें पानी लगेगा, टच होगा, तो धीमे धीमे पानी जो होगा, पानी थोड़ा सा इसको क्या करेगा, ये इंक अपने अंदर पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने लगेगा, ये पूरा नहीं डुबाएंगे, थोड़ा सा डुबोएंगे, फिर क्या करेगा, ये जो पानी जो इंक होगी, ये वाली जो इंक होगी, स्पॉट होगा, ये क्या करेगा, पानी को थोड़ा सा अपने अंदर जब सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो धीमे धीमे ये स्पॉट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, धीमे धीमे स्पॉट थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फिर ये स्पॉट यहाँ पहुँच जाएगा, ये जो प्रोसेस बेटा हो रहा है, ये एक साथ नहीं हो रहा कि यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, ये धीमे 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 टाइम के साथ आएगा। फिर क्या करेंगे, धीमे धीमे जब ये ऊपर बढ़ेगा तो धीमे धीमे यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आएगा बेटा, द मोस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ द डाई इज फाउंड एट टॉप, जो सबसे ऊपर हमारा ये जो हम आपको दिखाने के लिए बना दे रहे हैं डार, वैसे ये है लाइट स्पॉट होता है, जो सबसे लाइट स्पॉट होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, सबसे जो ऊपर लाइट वाला स्पॉट होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऐसा समझिए जो सबसे ऊपर आएगा वो ज्यादा सॉल्युबल और जो सबसे नीचे आएगा वो कम सॉल्युबल होगा। हमने लिख भी दिया, देखिए द मोस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट टॉप, ऊपर की तरफ, द लीस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट बॉटम, नीचे की तरफ आएगा। ये कैसे पता चला कि इसके अंदर हमारी डाई के अंदर 3 स्पॉट और आ रहे हैं, 3 कलर और आ रहे हैं, कैसे पता चला,
क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से पता चला। ये कलर ही तो बता रहा है कि कलर एक से दूसरा चेंज हो रहा है, दूसरे से तीसरा, तो यही हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक थी। हमने फिल्टर पेपर एक स्ट्रिप ली, 3 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ करी, फिर क्या करा है वहां पे इंक का स्पॉट डाला उस लाइन के ऊपर। उस लाइन के ऊपर डालने के बाद हमने एक ग्लास जार के अंदर डुबोया पानी में इतना डुबोएंगे कि पूरा ना मिले। फिर वो स्पॉट धीमे 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 क्या होगा, यहाँ पे धीमे धीमे ऊपर बढ़ने लगेगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। जो सबसे ऊपर वाला होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो सबसे नीचे वाला होगा तो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अगर आप इसको पूरी तरीके से जब सूख जाए, जब ये वाली फिल्टर पेपर की स्ट्रिप और तीनों स्पॉट पूरी तरीके से सूख जाए, इसको बाहर निकाल लेना। जैसे आप बाहर निकालोगे तो आप देखना, जब ये बाहर निकालोगे आप तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के आपको स्पॉट दिखेंगे। वो जो स्पॉट दिखेंगे वो आपको एकदम विजिबल दिखेंगे, विजिबल रिकॉर्ड होगा, वो एकदम विजिबल रिकॉर्ड होगा, लेकिन आप देख लोगे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। सर ये क्रोमेटोग्राम क्या होता है? क्रोमेटोग्राम जो होता है वो विजिबल रिकॉर्ड, वो सारी चीजें होती हैं कि जो चीजों को रिकॉर्ड करता है। कहाँ रिकॉर्ड करता है? ग्राफ पेपर के ऊपर करता है। ग्राफ पेपर के ऊपर आप देखते होंगे, मैथमेटिक्स में भी देखते होंगे बहुत सारे, जो उसको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे ग्राफ होते हैं, वो बहुत सारी लाइन्स गई होती है, एकदम लाइट होती हैं, वैसे ही इसमें भी क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। और ये विजिबल रिकॉर्ड को विजिबल रिकॉर्ड करता है, किसको, कहाँ पे, ग्राफ पेपर के ऊपर। ये भी एक देखा जाए तो एक स्ट्रिप है पतली सी, यहाँ के ऊपर भी ये डार्क रिकॉर्ड है, ये इससे थोड़ा कम, ये एकदम लाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो ये क्रोमेटोग्राम कब कहेंगे? क्रोमेटोग्राम तब कहेंगे जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और तीनों स्पॉट देखेंगे हमारे दिख रहे, तो वो तीनों जो स्पॉट दिखेंगे उस फिल्टर पेपर के ऊपर उसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। और क्रोमेटोग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? विजिबल स्पॉट्स या ग्राफ पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करता है, विजिबल रिकॉर्ड, चाहे वो ग्राफ हो किसी का भी चीज़ हो। अब देखिए इसी चीज को हम एप्लीकेशन में कैसे बताते हैं। एप्लीकेशन में बेटा पढ़िए क्या लिखा है। एप्लीकेशन में बेटा लिखा है टू सेपरेट कलर इन डाई। अभी बताया ये क्या कर रहा है क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट का मतलब क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है किसको, कलर। जो डाई के अंदर कलर बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि ब्लैक डाई है तो ब्लैक कलर हो, एक ही कलर हो, नहीं, तीन तीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। ये अलग कर रहा है नेचुरल कलर को, क्या कर रहा है, नेचुरल कलर को अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है पिगमेंट्स को। तीसरा क्या है, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, आप कहते हो डॉक्टर साहब मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ये शायद डिसीजेज हो गए, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, तो जो डिसीजेज होती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, ज़्यादातर डॉक्टर नहीं करते, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या चला गया है जो आपको दिक्कत आ रही है। ब्लड सैंपल लेता है, ब्लड सैंपल लेके शीशे की पतली सी स्ट्रिप होती है उसके ऊपर ब्लड एक ड्रॉप डालता है और उसको यूँ पूरा फैला देता है। फिर उसको टेक्निक से क्या करता है, माइक्रोस्कोप से देखता है। वो जो टेक्निक होती है बेटा वो यही होती है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी होती है, उसी को बोलते हैं। वो क्या करता है, जो आपका सेपरेट करता है ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। आपकी जो ब्लड में, मान लिया आपने कुछ खा लिया, जहर खा लिया, मान लिया इंसान जहर खा लेता है, पता नहीं चलता कि कौन सा क्या इसकी बॉडी में क्या है। अब मान लिया वो तो बोलेगा नहीं मुँह से कि मैंने क्या खाया है, तो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या है इसके ब्लड में, तो उसमें से जो ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हो, मान लिए पॉइजनस ड्रग, तो ब्लड में चेक कर लेता है कि इसके ब्लड में क्या है, उसको अलग करने की टेक्निक। अब वो देखिएगा कैसे हुआ है, कौन सी ड्रग्स है, अच्छी ड्रग्स है, ख़राब ड्रग्स है, तो ये कब से किससे होती, ये ग्याले क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से होती है। तो बेटा इसको रिकॉर्ड करिए, तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं फिर क्या है इसका।